जी बीबी, क्या मसला है? बेटा जी, मेरे ढिड विच गैस बन जाती है ते गैस दा इंज गोला जिहा ना उतां वल टुर पैंदा मेरे दिमाग वल ते बीपी ज्यादा हो जाता है उहदी वजह तों। कैसे बीपी ज्यादा हो जाता है? बीबी, आपको किसने बताया? ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਮੁੰਡਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਬੀਪੀ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਬਾਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਸਾਰਾ ਸੁੱਜ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸਮ ਦੇ। ਬੀਬੀ, ਇਹ ਚਰਬੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਿਕਨਾਈ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ, ਬਸ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਲਾਈਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਸਾ ਸਾਰਾ। बीबी, रोटी के अंदर घी लगाने से वो घी गायब नहीं हो जाता, वहीं पे रहता है, उसको पराठा ही कहते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं खाती बाजी, सारा दिन भुखे रहनी हूँ। सो जे, तुसी टेस्ट तो कराओ। जी बीबी, क्या मसला है? बाजी, अल्ट्रासाउंड करवानी है। अल्ट्रासाउंड किस वजह से करानी है, क्या मसला क्या है आपको? बाजी, बताया तो है स्क्रीन करवानी है अल्ट्रासाउंड। भाई, वही तो पूछ रही हूँ कि तकलीफ क्या है, क्यों करानी है अल्ट्रासाउंड, किस हिस्से की करानी है? बाजी, मेरे ना गुर्दे में पथरी है और पित्ते में भी पथरी है और बच्चेदानी के अंदर रसौलियाँ हैं। ये सब बातें आपको किस तरह पता चली हैं? तो कुछ दिन पहले एक अल्ट्रासाउंड करवाई थी ना, तो उसके अंदर आई थी ये सब चीजें। तो वो वाला अल्ट्रासाउंड किधर है, वो रिपोर्ट कहाँ है? वो तो बाजी मैंने सुट दी है। फेंगी तो अब दोबारा क्यों करवानी है? बाजी, वो देखना ना कि अभी भी है कि नहीं। बीबी, क्या मसला है? बाजी, मेरी 2 महीने बाद शादी है और मेरे जिस्म पे बहुत ज्यादा गैर जरूरी बाल है। ये कब से प्रॉब्लम है आपको? मसला तो बाजी मुझे पिछले 6 साल से है, पर 2 महीने में ठीक हो जाऊंगी ना? बीबी, मैं डॉक्टर हूँ, जादूगर नहीं। चल रुखसाना, वो रेडियो वाले हकीम साहब कह रहे थे कि 1 महीने में ही ठीक कर दूंगा मैं। चल उधर उनसे दवाई लेते हैं। रेडियो वाले